ये पर्टिकुलर वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो दैट इज अबाउट द प्राइवेट बैंक नोटिफिकेशन प्राइवेट बैंक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट बैंक नोटिफिकेशन इस टाइप की नोटिफिकेशन आप लोग मांग रहे थे सो वी हैव केम वो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो और आप लोग को लाइक करना है वीडियो को आप लोग सबसे आसान काम नहीं कर रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो मेरे को आई वाले पोस्ट पर बहुत ज्यादा अच्छा प्यार मिला मैंने बोला था लाइक करने के लिए आपने लाइक किया इस वाले पे भी लाइक कर लिया करो यार इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इन दिस पर्टुलर पोस्ट एवरी वन इज़ एलेबल इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर दिस अगर आपके पास जीरो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तभी आप जा सकते हो अगर आपके पास चार साल का एक्सपीरियंस तभी भी जा सकते हो मतलब देर इज अ रेंज ऑफ जीरो टू फोर ईयर्स और इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको पोस्ट के बारे में समझ में आएगा बेसिकली कि ये पोस्ट किस लिए है क्या करना है इस पोस्ट में रिसर्च कर सकते हो सारा कुछ और पढ़ सकते हो और ट्रैक कर सकते हो इस पर्टुलर पोस्ट को जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी बात पर कॉमेंट जरूर करना नीचे जाके यू कैन अप्रिशिएट यू कैन से एनीथिंग जो भी है मन में वो निकाल सकते हो एंड यू कैन ऑलसो कॉमेंट डाउन योर ग्रेजुएशन ईयर बिकॉज और अपनी डिमांड्स की ऐसी वीडियोज हम लोग लेके आते हैं रेगुलरली इट विल भी ईजी फॉर एस ठीक है और री लेवल लेके आए मैंने पहले रील के बारे में बहुत बात की आपके प्रीवियस वीडियोज में री लेवल लेके आया है एक री लेवल में उस लिंक पर टैप करोगे इन दिस पोर्टुलर इवेंट द पीपल हुन प्लेसड इन री लेवल थ्रू री लेवल डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है लोग तो उनका यह समिट है और बेसिकली सुनील छेत्री विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ दिस इवेंट एंड वरुण ठाकुर विल होस्ट दिस इवेंट सुनील

सेक्शन देखना है किया, कर देना, it will give me some और, और लोगों तक जाती है अगर आप कॉमेंट भी करते हो जो नीडी होगा उनके पास जाएगी तो जैसे कि देख सकते होब बैकिंग ऑफिसर ठीक है मतलब फोन बैंकिंग ऑफिसर दैट विल वट वी से द एलिजिबिलिटी बेसिकली वो चीज़ देख लेते हैं दैट इज इफ यू आर ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिग्री बी कॉम बी बेनली बी कॉम बी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है जॉब्स के लिए बी कॉम के लिए जॉब नहीं आती बी ब के लिए बी ए के लिए बहुत ज्यादा अलग अलग जॉब्स नहीं आती हैं सो बटे के लिए तो बहुत ढेर सारी जॉब्स हैं बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दिस पर्टुलर जॉब इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्राइवेट बैंक नोटिफिकेशन और प्राइवेट बैंक जॉब्स ठीक है डेफिनेटली आप लोग अप्लाई कर सकते हो इट विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग तो अगर आप ग्रेजुएट हो अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर हो अप्लाई कर सकते हो अप टू फोर ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है डेफिनेटली आप जा सकते हो इस पर्टुलर जॉब के लिए दूसरी चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है दैट इज देखो आई सी बैंक इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ वेरी बिग मल्टी नेशनल कंपनी मल्टी नेशनल बैंक है ठीक है मतलब कई कई जगह है इंटरनेशनल बैंक है डेफिनेटली तो दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आपको अगले दिन रिस्पॉन्स आ जाएगा एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर तीन दिन के अंदर इट डिपेंड्स ऑन योर शॉर्टलिस्टिंग बिकॉज दिस काइंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग डिपेंड्स ऑन द ए टीय एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है बेसिकली रेज्यूम ट्रैकिंग सिस्टम समझ सकते हो ये इनका सिस्टम होता है जो एचआर होते हैं इनके वो ऐसे ट्रैक करते हैं आपके रेज्यूमे में अगर वही वही चीज़ें मैंशनड है सो इट विल बी ईजी मतलब एक दो परसेंट चांसेस बढ़ जाते हैं आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होने के तो ये चीज ध्यान में रखना इस पर्टिकुलर विन वीडियोज का मेरा मतलब ये होता है बनाने का आपको नॉलेज देना है दैट इज एप्लीकेशन करना तो कोई बता देगा कि हाँ ऐसे 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 अप्लाई करना है बट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही लैगिंग होता है यही लैग करता है हम लोगों में इसीलिए प्रॉब्लम होती है शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है एक दो परसेंट चांस डेफिनेटली बढ़ जाएगा इफ यू सी दीज वीडियोज आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा प्लीज यार कॉमेंट करके सपोर्ट जरूर करना इट इज अप टू यू नेक्स्ट थिंग यू कैन सी ग्रेजुएट्स ठीक है आपका रोल क्या होने वाला है वो मैं बता देता हूं दैट वॉट इज योर पर्पज वॉट इज योर रोल ये सारी चीजें क्या होने वाला है पहली चीज तो आपको क्या करना है द यू विल सेट इन अ बैंक आपका देखो बैंक में बैठ काम करना डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम नहीं है बैंक की जॉब्स मोस्टली वर्क फ्रॉम होम नहीं होती हैं मोस्टली नहीं होती हैं होती हैं बट मोस्टली नहीं होती हैं ये भी मैं बता दूँ बिकॉज बैंक एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है घर से काम नहीं करवा सकता है कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं दैट इज वाई कस्टमर की डेटा लीक हो सकता है बहुत चीज़ें वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है बैंक में डेफिनेटली ठीक है उसके बाद इसमें करना क्या है जैसे आप परमाइसिस में बैठोगे मान लो एक स्टेट ऐसे ऐसे ही बैंक के सेक्टर में बैठे हो ठीक है एक ब्रांच में बैठे हुए हो सो देरन आर कस्टमर्स कस्टमर्स ऑफ द बैंक दे कैन कॉल यू फोन बैंकिंग ऑफिसर यानी कि फोन से आपको कॉल्स आएंगे आपके पास आपको क्वेरी सॉल्व करनी है कस्टमर्स की इट इज काइंड ऑफ अ सपोर्ट जॉब जिसमें लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे दैट दीज आर द प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही हैं सो so कैसे रिजोल्व करना है यू हैव टू रिजोल्व देयर प्रॉब्लम्स इसमें आप देख सकते हो कैन ऑल्सो रीड आउट दिस थिंग ये पढ़ सकते हो पर्पज ऑफ द जॉब दोनों पढ़ सकते हो द पोजिशन ऑल्सो रिक्वायर्स क्रॉस सेलिंग बैंक प्रोडक्ट्स मतलब ऐसा भी हो सकता है ओवर फोन मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगे देर आर एक रोल नहीं है द वेरी फर्स्ट थिंग द रोल इज़ कि आपको पहली चीज़ तो कस्टमर के इशू सॉल्व करने हैं द वेरी फर्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग आपको बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हर बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इसके आईसी आईसी एक या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे प्रोडेंशियल एक जिसमें इंश्योरेंस वगैरह लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह इन सब चीज़ों पर फोकस करता है बेसिकली वो तो उसमें क्या होता है उसमें बेसिकली होता है कि आपको प्रोडक्ट सेल आउट करने पड़ेंगे ओवर कॉल दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इज ऑल्सो अ जॉब रोल आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सो यू कैन ऑल्सोर इट हैज सपोर्ट प्लस सेल्स रोल कंसिडर कर सकते हो इट इज कॉमन ठीक है नेक्स्ट थिंग आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके क्या नाम है वॉट आर स्किल्स रिक्वायर्ड बेसिकली वैन यू विल सी दैट इज़ फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज इफ यू आर फ्लूएं इन इंग्लिश एंड हिंदी दैट इज डेफिनेटली अ प्रेफरेंस अ प्रेफरेंस विल बी गिवन दैट इज अलिजिबिलिटी दट इज अ स्किल इज इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट थिंग ओपन टू वर्क इन द रोटेशनल शिफ्ट देयर कैन बी अइट शिफ्ट देयर कैन भी आफ्टरनून शिफ्ट देर कैन बी अ मॉर्निंग शिफ्ट इट डिपेंड्स ठीक है सो यू मस्ट बी ओपन टू वर्क इन एनी शिफ्ट रोटेशनल शिफ्ट होते हैं दैट इज़ हो सकता है कभी संडे को जाना पड़े कभी सैटरडे को जाना कभी मंथेंड आ रहा है तो हो सकता है रात रात तक काम करना पड़े इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो उसके लिए आपको हां करना पड़ेगा देन वॉट इज द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीजीजीजीजीज यू विल सी दिस सेक्शन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज देन हैंडलिंग एंड रिवॉल्विंग कस्टमर कंप्लेट जैसे मैंने बताया कस्टमर कंप्लेन जो भी इशूज होंगे कस्टमर की सॉल्व दैट इज़ अ प्राइमरी फोकस ऑफ योर रोल नेक्स्ट क्रॉस सेलिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कस्टमर ओवर द फोन ये भी मैंने बता दिया दैट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन ठीक है तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान में रखनी है मैने वर यू आर गोइंग टू फिल अम ये सारी चीजें जरूर पढ़ लिया करो दैट इज़ वैसे मैं सारी वीडियोज में यही सारी चीजें मोस्टली मैं फोकस करता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन एलिजिबिलिटी पे उसके बाद मैं बताता हूँ रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए चीज़े हो सकता है एक दो परसेंट चांसेस बढ़ जाए अभी आप अप्लाई करोगे बिना वीडियो देखो तो हो सकते

पहली चीज़ तो दैट वॉज अ आई बी एम आई बी एम जॉब तो पहली चीज़ तो वो नागपुर का था बेसिकली मैं एक चीज़ बताता हूँ दैट इज़ इफ़ यू आर फ्रॉम एनी स्टेट अगर बैंगलोर की जॉब निकल रही तो ऐसा नहीं है कि हाँ हैदराबाद वाला बंदा या गोरखपुर वाला बंदा या नागपुर वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता दे कैन डेफिनेटली अप्लाई दैट इज़ अ वर्क लोकेशन यू विल बी गिवन दैट इज़ बेंगलोर वहाँ जाके आपको काम करना पड़ेगा अगर ऑफिस से बुलाया जाएगा तो ठीक है तो वो रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं ऐसा नहीं है कि आप कहीं आप कहीं से भी पैन इंडिया हो कहीं से भी अप्लाई ज़रूर कर सकते हो बट लोकेशन वहीं आपको जाके काम करना पड़ेगा दैट इज मैं जॉब रोल वो मेरे ऊपर नहीं है दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी सो यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई अगर एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा दिखा दूँ फुल नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट इज अजी आई हैव शोन प्रीवियसली हैीवियली आपको एक अकाउंट बना रहता है यू इफ यू हैव एन अकाउंट यू कैन डायरेक्टली लॉग इन इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट आप साइन अप कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द जॉब अलर्ट है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लोगे जॉब अलर्ट को तो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जॉब्स आपके मेल आई पे जो भी मोशन uh, रहेगा मतलब कम्युनिकेशन मोड रहेगा वहां पे आपको मिलती रही

तो ऐसे करके एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आप लोग हठा सकते हो बिकॉज इट इज मैंशन इन द जॉब ओनली दैट जीरो टू फोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब तो यही सारी चीजें तो मैं बताना चाहता है इट वॉज माई मोटिव टू एजुकेट यू दैट इज ओनली द प्रोसेस सो दिस वॉज ऑल अ वीडियो आपको सारे लिंक सिंह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड यू कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर दिस पर्ट्युलर वीडियो मिल द नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इफॉर्मेशन ऐसी चीजों को अगर आपको मोर मोटिवेट मतलब और बढ़ावा देना है डेफिनेटली आपके लाइक like कर सकते हो वीडियो को नीचे कॉमेंट कर सकते हो एनी इफ यू वॉन्ट टू अप्रिशिएट इफ यू वॉन्ट टू से एनी यू कैन गो रिव्यूज वगैरह कुछ भी देना है इफ़ यू वॉन्ट समथिंग यू कैन डायरेक्टली गो ठीक है यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी डायरेक्टली आई विल सी आई डेफिनेटली सी ऑल द कॉमेंट्स ठीक है सारे कॉमेंट्स हो सकता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज देर आर नंबर ऑफ कॉमेंट्स ऑन द चनल बट मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ें कवर करने की तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें आपको सारी मिलती रहेंगी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कम्युनिकेशन मेरे से करना है तो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम वगैरह पे कनेक्ट हो सकते हो डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद मंदे मातरम बाय बाय